आज हम आपके क्वेश्चंस का आंसर करेंगे जो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे, और ये बहुत ही एक बेसिक क्वेश्चंस की वीडियो है, तो अगर आप लोग चाहें तो देख सकते हैं, अदरवाइज इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो सबसे पहला ये सवाल था। अच्छा, सबसे पहले ये बुक देख लें, ये हाफिज़ करीम दास जो थे कि बुक थी, इसका मुझसे पूछा गया था कि राइटर का नाम क्या है, ऑथर का क्या नाम है, तो हाफिज़ करीम दास जो थे कि ये बुक है और बहुत ही अच्छी है, तो अगर आप लोग सीरीज की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो ज़्यादा अच्छी रहेगी। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज़ CSS? CSS इज़ अ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जिसको पूरे मुल्क से लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, हर प्रोविंस से, और इसको क्लियर करने के बाद आप बहुत ही प्रेस्टिजियस पोस्ट पर आ जाते हैं 17th ग्रेड की। CSS में 12 ग्रुप्स होते हैं। जब आप CSS क्लियर कर लेते हैं तो आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको उस ग्रुप के लिए सिलेक्ट किया जाता है। CSS में कंपलसरी सब्जेक्ट्स के लिए पासिंग मार्क्स 40 होती है और ऑप्शनल्स के लिए 33 होते हैं। तो टोटल 12 सब्जेक्ट्स होते हैं CSS में, जो कि 6 कंपलसरी होते हैं और 6 ऑप्शनल होते हैं, यानी कि 6 कंपलसरी हर हाल में आपने वही लेने होते हैं और 6 ऑप्शनल जो आप अपनी मर्जी से सिलेक्ट करते हैं। CSS में पहले स्क्रीनिंग और MPT का कोई सिस्टम नहीं था, डायरेक्ट रिटन एग्जाम के लिए फॉर्म सबमिट किए जाते थे, लेकिन अब MPT आपको देनी होती है हर साल अक्टूबर के मंथ में, स्क्रीनिंग टेस्ट, उसके बाद जो सीरियस कैंडिडेट्स होते हैं फिर वही जो MPT पास करते हैं वही रिटर्न तक पहुंच सकते हैं और वही रिटर्न के लिए एलिजिबल होते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये बहुत आ रहा था कि जब हम डीमोटिवेटेड फील करें तो हम क्या करें खुद को मोटिवेट करने के लिए। तो एक ही चीज़ काफ़ी है कि बाद का जो रिग्रेट होगा आपको कि काश उस वक्त आप कर लेते और उस वक्त आप डिमोटिवेट ना होते, खुद को संभाल लेते, तो आज आप किसी जगह पर होते, किसी पोस्ट पर होते। तो अब यही सोचा करें कि कामयाबी ऐसी रातों रात नहीं मिलती, इसके लिए बहुत ज़्यादा जतन करने पड़ते हैं, पावर बेलने पड़ते हैं, तभी जाकर आपको कामयाबी मिलती है। और ये वक्त एक दिन गुजर जाएगा, अभी आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा है, लेकिन जब आप इसको कर लेंगे तो उसके बाद जो आपकी लाइफ होगी वो दैट इज़ वर्थ इट। तो आपके लिए यही काफ़ी है। जब भी डिमोटिवेटेड फील करें तो आप जो सक्सेसफुल कैंडिडेट्स थे जिन्होंने अपनी सक्सेस स्टोरीज शेयर की हैं, आप वो पढ़ा करें ताकि आपको पता लगे कि आपसे ज़्यादा लोगों ने स्ट्रगल किया है और उन्होंने कभी भी गिव अप नहीं किया। और कामयाबी कभी भी फ़ौरन से आपको नहीं मिलती, आपको बार बार उठना पड़ता है, बार बार गिरना पड़ता है, तो कभी भी गिव अप मत करें अगर आप कामयाबी चाहते हैं। तो उसके बाद आप दुनिया के बड़े बड़े लोगों की सक्सेस स्टोरीज़ पढ़ सकते हैं ताकि आपको पता लगे कि उन्होंने कितनी ज़्यादा स्ट्रगल की और कितनी ज़्यादा स्ट्रगल के बाद उन्होंने कामयाबी हासिल की। अगर वो तब स्ट्रगल ना करते और तब गिव अप कर देते तो आज दुनिया में उनका नाम नहीं होता। तो आपको भी स्ट्रगल करनी पड़ेगी और इस स्ट्रगल के फेज़ को बहुत लाइटली अपने दिमाग पर इतना हावी मत करें, इतना सोचें कि आप जो भी कर रहे हैं ये कभी भी ज़ाया नहीं जाएगा और कभी ना कभी आपको इसका रिजल्ट ज़रूर ज़रूर मिलेगा, क्योंकि अल्लाह ताला किसी की भी मेहनत को ज़ाया नहीं करते। खुद को मोटिवेटेड रखने के लिए ये सोचा करें कि आप 5 साल बाद खुद को कहाँ देखना चाहते हैं। अगर आप गिव अप कर लेंगे और डीमोटिवेटेड हो जाएंगे इतनी आसानी से, तो आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुँच सकते। और सबसे पहले आपको खुद को, अपने माइंड को रिलैक्स करने की टेक्निक्स आपको आनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं आपको प्रो टिप देना चाहूँगी, जब भी आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस और परेशान फील करें, तो अगर तो आपके घर के पास कोई नहर है, कोई ऐसी जगह है जहाँ पर पानी होता, वहाँ जा सकते हैं। अगर नहीं तो आप ये क्या करें कि शाम के वक्त में या सुबह जब उठते हैं और सुबह को सवेरे, तो आप एक बाल्टी ले लें, पानी की टब ले लें, उसमें ठंडा पानी आप डालें जो मोटर से निकलता है, बहुत ठंडा ठंडा पानी, उसमें आपने अपने पाँव डिप करने हैं घुटनों तक, पाँव डिप करें। और कोई सूदिंग म्यूज़िक आप सुन सकते हैं जिसमें बर्ड्स के साउंड हों या फिर जो भी आपको अच्छा लगता है, अब वो सुने और आंखें बंद करके डीप ब्रीदिंग करें, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और बहुत आप रिलैक्स फील करेंगे। दूसरा बड़ा क्वेश्चन ये था कि कंपैरिजन विद अदर्स, यानी कि आपकी जो सराउंडिंग में लोग होते हैं, आपको लगता है कि वो आपसे ज़्यादा जल्दी आगे बढ़ रहे हैं और आप यहीं पर CSS की प्रिपरेशन में स्टक हैं, आपको पता भी नहीं कि आगे क्या होगा, पास होंगे या नहीं होंगे। और दूसरे जो लोग हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, वो दूसरी फील्ड्स में आगे बढ़ रहे हैं और आप वहीं पर स्टक हैं। तो कभी भी आप खुद को दूसरों के साथ कंपेयर मत किया करें। आप ये सोचें कि जब आप पास हो जाएंगे तो आप उनसे ज़्यादा हर चीज़ में होंगे, और जो आपकी जर्नी है उनकी जर्नी से बिल्कुल ही डिफरेंट है। उन्होंने एक डिफरेंट फील्ड चूज़ की है, आपने एक डिफरेंट किया,
तो अपनी स्ट्रगल को भी किसी के साथ कंपेयर मत करें और अपनी जर्नी को भी किसी के साथ कंपेयर मत करें कि वो लोग आपसे ज़्यादा जल्दी आगे बढ़ रहे हैं या फिर वो लोग ज़्यादा बेहतर करें, आपको वो चूज़ करना चाहिए था। तो अगर तो आप अपनी मंजिल के लिए, अपने गोल के लिए पैशनेट हैं, तो आपको ऐसे बिल्कुल भी दूसरों के साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए खुद को। बिल्कुल दिमाग में इन बातों को मत आने दें कि दूसरे आपसे आगे बढ़ रहे हैं, उनको करने दें, वो उनकी जर्नी है, आपकी अलग जर्नी है। तो जब आप कामयाब हो जाएंगे तो ये वाला गुजरा हुआ वक्त आपको एक मजाक लगेगा कि अच्छा हुआ कि आप उस टाइम में डिमोटिवेटेड नहीं हुए। किसी से भी आप पूछेंगे कि आप सीएसएस क्यों करना चाहते हैं, तो उनका सबसे पहला यही जवाब होगा आपको कि हम अपनी कंट्री को सर्व करना चाहते हैं, हम अपने लोगों को सर्व करना चाहते हैं। तो असल में देखा जाए तो ये बातें बाद की होती हैं, लेकिन जो पर्सनल इंटरेस्ट इसमें होता है, आपका स्टेटस, आपका पावर, प्रोटोकॉल, इज्जत, आप जहाँ जाते हैं आपको लोग पहचानते हैं, पूरे मुल्क में आप कहाँ भी जाएंगे, कहीं भी जाते हैं तो आपका नाम होता है, आपकी इज्जत होती है, और आपकी फैमिली आप पर प्राउड फील करती है, आपके जो लोग होते हैं उनमें आप अपना, जब तक आप जिंदा हैं तब तक के लिए आप अपने एक नाम बना जाते हैं, और अपने आने वाली नस्ल के लिए, आप अपने आने वाले लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ पैदा करते हैं। और इससे क्या होता है कि दूसरे लोग भी आपसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा इंस्पायर होते हैं और आपकी इज्जत में बहुत ज़्यादा इजाफा होता है, बहुत ज़्यादा। वही लोग जो आपको, आपसे बात नहीं करते थे, वही लोग आपको झुक कर सलाम किया करते हैं और आपके आगे पीछे घूमते हैं। तो ये पावर होता है इन पोस्ट्स का। तो अगर दूसरी बात आती है कि कंट्री को सर्व करना और सोसाइटी को सर्व करना, ये सारी चीज़ें जो है वो होती हैं अंदर कहीं ना कहीं, लेकिन सबसे पहला इंटरेस्ट हमारा यही होता है कि हमारी अपनी स्टेटस, हमारा हमारी अपनी इज्जत। तो अल्लाह पाक सबको ये वाला मर्तबा और बुलंद मकाम नसीब करें, लेकिन उसके बाद जो है वो कंट्री और सोसाइटी को सर्व करना, आप सोसाइटी के लिए बहुत ही अच्छे पर्सन बन सकते हैं और सोसाइटी की बेटरमेंट के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा प्रेस्टिजियस पोस्ट होती हैं सीएसएस में सारी, उनमें से कोई भी आपको मिल जाए तो बहुत ही अच्छी होती हैं। तो आप ये सोचें कि आप 5 साल बाद आप कहाँ खुद को देखना चाहते हैं। अगर आप डिमोटिवेटेड हो जाएंगे तो आप वहाँ पर नहीं पहुँच पाएंगे। अगर आप यही स्ट्रगल करते रहेंगे तो इंशाल्लाह ताला आप अपनी मंजिल तक पहुँच जाएंगे। सो कभी भी खुद को डिमोटिवेट मत होने दें। जब भी हो तो आप सक्सेस स्टोरी सुन लिया करें और स्ट्रगल, उनकी इनकी स्ट्रगल की स्टोरी सुना करें, तो आप बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट हो जाएंगे कि आप तो इतने ज़्यादा नहीं कर रहे स्ट्रगल जितना कि दूसरे लोगों ने। क्वेश्चन था कि हाउ टू इम्प्रूव इंग्लिश, इंग्लिश को किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप अपने ग्रामर को स्ट्रॉन्ग करें, ग्रामर पढ़ें और पार्ट्स ऑफ स्पीच, उसके बाद सेंटेंसेस और सारा कुछ, आपके पास जो अच्छा बुक है आप उसको अच्छे से पढ़ लें, अच्छे से समझ लें, अच्छे से पढ़ लें, उसके बाद आप पैराग्राफ रीडिंग स्टार्ट करें और फिर जो है वो आप इंग्लिश फ्रेजेस अपने डेली लाइफ में यूज़ करना शुरू करें ताकि आपकी ज़बान यूज टू हो जाए। और उसके साथ साथ आप जो पास्ट पेपर्स हैं सीएसएस के, एसपीएससी के और बीपीएससी के, तो इस तरह से आप सारे जो कमीशन हैं उनके पास्ट पेपर्स के सिनोनिम्स एंटोनिम्स को कवर करना शुरू करें। डेली 20 to 30 सिनोनिम्स एंटोनिम्स को कवर करना शुरू करें। ईडियम्स आप याद करना शुरू करें डेली 10। अगर मुझसे हुआ तो मैं कम्युनिटी में शेयर किया करूँगी, अदरवाइज़ वीडियो में शेयर कर लिया करूँगी आप लोगों के साथ। जो सबसे पहले आपका टारगेट होना चाहिए वो आपके पास्ट पेपर्स होने चाहिए, क्योंकि वही पास्ट पेपर्स में ऐसे चीज़ें रिपीट होने होती रहती हैं हमेशा। और इंग्लिश स्पीकिंग से आपकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो सकती है। तो सबसे पहले तो आप अपने ग्रामर ठीक करनी है, ग्रामर को बहुत स्ट्रॉन्ग करना है। उसके बाद आपने आप इंग्लिश मूवीज़ देखें, इंग्लिश सॉन्ग सुने, ताकि आपकी इंग्लिश लिसनिंग, इंग्लिश स्पीकिंग आपकी अच्छी हो जाए। और आप जो भी दिल्ली दिल में सोचते हैं वो भी कोशिश करें कि इंग्लिश में सोचना शुरू करें, ताकि आप जो सोचेंगे वही आपकी ज़बान पर भी आप बाद में आसानी से बोलने लगेंगे। इंग्लिश नॉवेल्स पढ़ें, इंग्लिश ड्रामास देखें, इंग्लिश मूवीज़ देखें और इंग्लिश सॉन्ग सुने, ताकि आपकी इंग्लिश लिसनिंग एंड स्पीकिंग अच्छी हो जाए। और उसके बाद आप डॉन पढ़ा करें, डॉन एडिटोरियल सब पढ़ा करें, उसके बाद उनको समराइज़ किया करें, मीन्स कि ज़्यादा से ज़्यादा मुख्तसर लफ्ज़ों में उस बात को बयान करना। तो
तो इससे आपकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो सकती है, लेकिन इसमें वक्त लगेगा, ये ओवरनाइट नहीं होगा। जब तक आपकी सीएसएस प्रिपरेशन चल रही है तो आपने कभी भी इंग्लिश को नज़रअंदाज नहीं करना। डे वन से लेकर डे लास्ट डे तक आपने जो है वो इंग्लिश को साथ साथ इंग्लिश की हमेशा प्रैक्टिस करते रहना है। एक ऑफिसर का इंटरव्यू में कहना था कि वो दिन में 5 घंटे इंग्लिश को देते थे और बाकी आवर्स में वो दूसरे सब्जेक्ट्स पर ध्यान देते थे, लेकिन दिन में 5 घंटे वो इंग्लिश पर ही ध्यान देते थे, जिसमें ऐसे लिखना और डॉन पढ़ना, दूसरे इडियम्स फ्राइजेस और सिनोनिम्स एंटोनिम्स, इन सारों को कवर करना होता था उनका। अब जो मेन क्वेश्चन था कि हाउ टू स्टार्ट सीएसएस प्रिपरेशन, जो बेसिक क्वेश्चन थे और सारा कुछ मैंने सीएसएस के बारे में शेयर किया है, और अब आ जाता है कि सीएसएस की प्रिपरेशन हम कहाँ से स्टार्ट करें। तो सबसे पहले वही बात आ जाती है कि इंग्लिश 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 पर फोकस करें, अपनी इंग्लिश अपनी इम्प्रूव करें। जब तक कि आपकी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग नहीं होगी या तो आपके लिए सीएसएस करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आपके 12 पेपर्स इंग्लिश में होते हैं। उसके बाद जो है वो आपने अपनी ग्रामर पर, अपनी इंग्लिश रिटिंग पर ध्यान देना है। उसके बाद आप कंपलसरी सब्जेक्ट्स पर गौर करें और उनका सिलेबस मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी कंपलसरी सब्जेक्ट्स का, तो आप वो कवर करना शुरू करें। आपने करंट अफेयर्स पर ध्यान देना शुरू करना है। वो कैसे होगा, जब आप न्यूज़ देखेंगे कि मुल्क में क्या चल रहा है, इंटरनेशनल करंट अफेयर्स में क्या चल रहा है, और न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, न्यूज़पेपर में सबसे अच्छा डॉन है तो आप डॉन पढ़ा करें, उससे आपको पता लग जाएगा और ये करंट अफेयर्स में, और जो है वो आपको बहुत हेल्प करेगा ऐसे में भी पेपर्स में। उसके बाद आपने कोशिश करें कि आप अपने पहले कंपलसरी सब्जेक्ट्स को कवर कर लें, उसके बाद आप ऑप्शनल जो चूज़ करते हैं वो ऑप्शनल आपको वो चूज़ करने चाहिए जिनमें आपका इंटरेस्ट भी और आपका बैकग्राउंड भी हो। तो और मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि किसी अच्छे से मेंटर के पास जाएं, उनसे गाइडलाइन लें ऑप्शनल्स के बारे में, फिर ही आप अपने ऑप्शनल्स को जो वो सिलेक्ट करें, क्योंकि समटाइम्स रॉन्ग सिलेक्शन की वजह से आप क्लियर नहीं कर पाते एग्ज़ाम। लोग क्या करते हैं कि ये ज़्यादा मार्क्स वाला पेपर है, इसमें ज़्यादा मार्क्स होते हैं तो ये 200 वाला है तो ये ठीक रहेगा, उसमें आपका कोई बैकग्राउंड नहीं होता, आपको कोई समझ नहीं आता वो सब्जेक्ट, तो फिर भी वो उठा लेते हैं, वो फेल हो जाते हैं। तो पहले कोशिश करें जो सब्जेक्ट आप चूज़ कर रहे हैं उसके सिलेबस को पढ़ें और देखें, तो अगर आप वो चूज़ कर सकते हैं तो करें, अदरवाइज आप स्विच कर लें किसी और सब्जेक्ट पर। साथ वर्ल्ड मैप और पाकिस्तान मैप को पढ़ना शुरू करें। वो कैसे पढ़ सकते हैं, उसके लिए बहुत ज़्यादा वीडियोज़ हैं यूट्यूब पर, और अगर आप किसी अच्छी अकेडमी में पढ़ते हैं तो आपको आपके मेंटर अच्छे से गाइड कर सकते हैं। और एक क्वेश्चन ये था कि क्या सीएसएस के बाद भी स्टडी करनी होती है, तो वो आपके ग्रुप के हिसाब से होता है कि किस ग्रुप में आपकी एलोकेशन हो रही है। तो ट्रेनिंग्स होती हैं, उन ट्रेनिंग में आपके कोर्सेज होते हैं, तो उस हिसाब से स्टडी होती है। लेकिन जब आपने सीएसएस क्लियर कर लिया तो वो स्टडी कुछ भी नहीं होती, वो तो आप आराम से कर लेंगे, तो वो तो बाद की बात होती है, तो उसकी टेंशन मत लिया करें और अभी आप अपनी स्टडी पर फोकस करें। सो आई होप मैंने सारे क्वेश्चंस जो है वो क्लियर कर लिए होंगे, और ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई क्योंकि मुझे सारी आपकी जो भी क्वेश्चन थे उनको डिटेल से एक्सप्लेन करना था। तो आपके लिए ये वीडियो होपफुली बहुत ही हेल्पफुल रही होगी। मिलेंगे अगली वीडियो में और बहुत अच्छी एक टॉपिक के साथ आऊँगी। मिलेंगे अगली वीडियो में, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर देट मच सपोर्ट एंड लव। अल्लाह हाफिज़।